ये है आर्क, एक खूबसूरत सा डायनासोर वर्ल्ड। हजारों सालों से इस वर्ल्ड में इंसान और डायनासोर साथ में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन इंसानों की लालच ने और घमंड ने ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इंसान अमर बनना चाहते थे। अमर बनने की कोशिश में इंसानों ने काफी ज्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग वायरसेस बनाए। उसमें से एक वायरस का नाम था टी वायरस, जो कि काफी खतरनाक वायरस था। साइंटिस्ट का मानना था ये वायरस इंसानों को अमर बना सकता है। अमर बनने के लालच में इंसानों ने इस पूरे वायरस को हवा में फैला दिया, ताकि हर एक इंसान यहाँ पे अमर बन सके और कभी ना मरे। इस वायरस ने अपना काम तो करा, इस वायरस ने इंसानों को अमर तो बना दिया, लेकिन उस वायरस ने इंसानों की उनकी खुशियां, उनकी फीलिंग्स, उनके सारे के सारे दर्द छीन लिए और इंसानों को अमर बनाने के साथ साथ यहाँ पे ज़ोंबी में बदल दिया। अभी इस आइलैंड पे हर तरफ आपको सिर्फ ज़ोंबी ही ज़ोंबी दिखाई देंगे। कुछ डायनासोर इस वायरस के कांटेक्ट में आते ही तुरंत मर गए और कुछ डायनासोर यहाँ पे ज़ोंबी डायनासोर में कन्वर्ट हो गए। इस आइलैंड पे अभी हर तरफ सिर्फ ज़ोंबीज का और ज़ोंबी डायनासोर का राज चलता है और इस आइलैंड पे सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है। लेकिन इस वायरस की चपेट में कुछ लोग आ नहीं पाए। इस वायरस से कुछ लोग इम्यून थे, जिनके ऊपर इस वायरस का असर नहीं हुआ, और अभी इस ज़ोंबी वर्ल्ड में उन लोगों को अकेले सर्वाइव करना पड़ रहा है। लेकिन इन ज़ोंबी से भरे हुए वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो डायनासोर हमारे साथी थे वो भी हमारे ऊपर अभी अटैक करने लग गए, वो भी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। उस रीजन से इस ज़ोंबी वर्ल्ड में इंसानों का सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मिलिट्री ने इस वायरस को रोकने के लिए काफी ज्यादा अलग अलग तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर पाए, मिलिट्री भी इस वायरस के चपेट में आ गई। अभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर, उनकी सबमरीन और भाई जो भी उनके इक्विपमेंट थे वो इस वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। अगर वो हमको मिल जाते तो ये वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये टी वायरस इवॉल्व हो रहा है। टाइम के साथ साथ जो ज़ोंबीज थे वो खुद को इवॉल्व करके और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं, और जो बचे कुचे इंसान है इनके पास खाने पीने की काफी कमी है, उस रीजन से वो काफी ज्यादा वीक बनते जा रहे हैं। और ज़ोंबीज हमारे ऊपर रात में ज्यादातर करके झुंड में हमला करके सारे इंसानों का नामो निशान इस मैप से मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन हम जैसे तैसे करके इस ज़ोंबी से बने हुए वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाले, और क्या पता आगे जाके कौन कौन सी वॉल ज़ोंबीज का सामना हमको करना पड़े। तो गाइज, क्या हम इस ज़ोंबी वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे? यहाँ पे हम किसी डायनासोर को टेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम डायनासोर यहाँ पे मर चुके हैं और जो बचे कुछ डायनासोर है वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो गाइज, क्या इस ज़ोंबी वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर पाएंगे? इन बाय मॉन्स्टर से, ज़ोंबी से हम पंगा लेके क्या इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे, जो कि नामुमकिन है? ये जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस सीरीज में जरूर बने रहना। और गाइज, यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हो गाइज, जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। जरूर से तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद आड़ी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिनके चैनल पे आर्क मिथिकल मैजिकल वर्ल्ड की सीरीज चालू है, वो भी जरूर देख लेना, और हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले गाइस, हमारी जो जर्नी है खतरों से भरी हुई इस ज़ोंबी वर्ल्ड में हम बिना किसी देरी के शुरू कर दे और देख दे कि हमारा सामना इस ज़ोंबी वर्ल्ड में कौन कौन से ज़ोंबी से होता है, और क्या हम इस ज़ोंबी वर्ल्ड में इस टी वायरस का तोड़ निकाल पाते कि नहीं, वो तो आपको आगे जाके जर्नी में पता चली जाएगा। तो चलिए गाइस, कर दे खतरों से भरी हुई हमारी ये जर्नी बिना किसी देरी के शुरू। वेलकम टू ज़ोंबी वर्ल्ड। ज़ोंबी वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, पिछले दो एपिसोड से हम यहाँ पे अपना जो ना गाइस एक छोटा सा टेरेट टावर जो ना गाइस वो बनाने का कोशिश कर रहे, ताकि हैरी और हैनी लोग जो ना गाइस उनके ऊपर अपन पीछे से सरप्राइज अटैक कर सके, और हमारा ऑलमोस्ट टावर जो ना गाइस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। उसके ऊपर टेरेट मैंने लगा डाली, उसके अंदर एमो बीमो डालना और कुछ और बेसिक सा काम करना बाकी, और वो काम अपन आज के एपिसोड में करने वाले। आज का एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा अगर अपने पिछला एपिसोड नहीं देखा, तो फटाक से जाकर पिछला एपिसोड देख के आइए, तभी आज का एपिसोड आपको समझ में आ जाएगा। तो चलेगा
गाइस करते ज़ोंबी वर्ल्ड बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू एंड फुल डू तबाही मचा डालते लेट्स गो गाइस। और क्या नहीं बनेगी क्या कंप्यूटर ऑब्सिडियन मेरे हिसाब से गन पाउडर एंड ऑब्सिडियन कम बढ़ रहा है भाई। ऑब्सिडियन तो मेरे पास नहीं है ना गन पाउडर नहीं है भाई। ठीक है चलो भाई क्या ना अपन बाद में बना लेके डालते हैं अभी फिलहाल के लिए जो ना कहे एडवांस वाली बुलेट लेके चलते और दो टेरेट लेके चलते जो बनाई अपन ने भाई। ठीक है चलो आ जाओ उनके अंदर बुलेट और एक्स्ट्रा डालने का काम अपन बाद में कर लेंगे। ड्रॉप आ रहा है ऐसा क्यों लग रहा है? हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा था भाई। हेलीकॉप्टर नहीं वो प्लेन का आवाज़ आ रहा था। ठीक है चलो आ जाओ भाई आगे साइड मेरे को सीलिंग लगा के जो ना कहीं वॉल लगा डालनी है कहीं पे। ठीक है वो भी लगाने का काम करता। एंड यहाँ पे क्या लगाना था मेरे को? अबे यार इसके अंदर एमो डाल दो क्या? 500 करके डाल देता हूँ मेरे पास उतनी ज़्यादा एमो नहीं है तो इनके अंदर आगे साइड जो है ना 500 करके डाल देता हूँ। अगर एक के अंदर भी खत्म हो गई तो दूसरी वाली जो है ना जो भाई यहाँ पे वर्क कर जाएगी। रुक जाना सबके अंदर एमो डाल के जो ना एक साथ इनको चालू कर डालेगा भाई। मेरे पास उतनी ज़्यादा एमो नहीं है मैं लगभग जो है ना गाइस मेरे हिसाब से और 4 टेरेट के अंदर एमो डाल सकता हूँ। 4 टेरेट वैसे ही खाली पड़े रहेंगे गाइस। ओके ठीक है इसके अंदर हो गई यहाँ पे एमो डालते हैं एंड उसके बाद उस वाली में डालते हैं। मैं थोड़े से लेके आ जाऊँगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो मैंने बोला था ना गाइस ड्रॉप आ रहा है मेरे को आवाज़ सुनाई दी थी गाइस। देखो प्लेन की आवाज़ आ रही है और ड्रॉप मेरे ऊपर ही गिरेगा। अपन ड्रॉप को जो ना गाइस बिल्कुल भी भाव नहीं देगा। अभी फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे अपना टावर और छोटा सा बेस जो ना गाइस वो बना रहे पहाड़ी पे वो पहले बना लेते हैं। खत्म क्या बुलेट तो खत्म हो गई यार। बुलेट तो गाइस सारी की सारी खत्म हो चुकी है भाई। ठीक है इस टावर के अंदर तो पूरी भर गई ना भर गई गाइस। ठीक है मैं और थोड़ी भाई 2000 और बुलेट लेके आता एंड एक मिनट रुक जाओ मैं अब वो कहाँ पे लगाऊँ? ये डायरेक्टली ऊपर साइड का उड़ाने की कोशिश करेंगे। ये उड़ाने के लिए मैं सामने साइड में वो लगा सकता वॉल्ट और अगर अपन को कहीं पे कैनन लगा के उनको मारना पड़े तो अपन कैनन से भी वो कर लेंगे गाइस। ठीक है कैनन का भी जुगाड़ कर लेंगे। सामने की तरफ एक काम कर सीलिंग लगा पहले तब तक भाई बुलेट भी बन जाएगी गाइस। ठीक है सीलिंग के ऊपर वॉल्ट लगा सकता हूँ ना आई डोंट नो ट्राई मार अगर लगा नहीं पाया तो दिक्कत हो जाएगी भाई बाद में। हाँ सीलिंग के ऊपर वॉल्ट लगा सकता भाई अपन। ठीक है चलो आ जाओ थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मिलेगा अगर ये लोग अटैक करते हैं ना तुरंत ही 1-2 सेकंड के अंदर अपना बेस ना उड़ेगा भाई। ठीक है और अपन को वही चाहिए कि तुरंत ना उड़े अपना बेस। और थोड़े बियर ट्रैप लेके आए। अबे यार कहाँ पे बेटा कहाँ पे भाई? ओ यहाँ पे भी लगा डालने हैं क्या? टावर के ऊपर साइड भी भाई अब मैं वो वॉल लगा डालूँ क्या? क्या बोलती पब्लिक? प्लान तो मेरे को एकदम मस्त लग रहा है लगा डालते अपन वैसे ही करेंगे कुछ देखते चलो। यहाँ पे भी जो ना ऊपर साइड में भी लगा डालूंगा ताकि टावर जो ना उतना ज़्यादा जल्दी ना टूटे अपना। ठीक है डन। एंड हेलो अबे ज़ोंबी लोग डरा दीस भाई मेरे को। बियर ट्रैप लेके आया था ना गाइज वो बियर ट्रैप सामने की तरफ लगा डालता मेरे को पहले इसकी रेंज देखने दो पता चला उसके रेंज में चला गया और डायरेक्टली उसने उड़ा ही डाला मेरे को। मेरा रॉकेट लॉन्चर ये रहा गाइज रॉकेट लॉन्चर चलो आ जाओ रेंज देख दे गाइज कितनी है। काफ़ी ज़्यादा है भाई कुछ ना होगा। आ जाओ बियर ट्रैप जो ना गाइज इसमें भाई ये ज़ोंबीज फंस गए ना कुछ कर ले। ज़ोंबी फंस पाएगा क्या बियर ट्रैप में बता बेटा? अबे यार अच्छा इधर आ ये वाले ट्रैप में आ जा ये वाले ट्रैप में। पिकअप नहीं भाई पिकअप आ लाओ नहीं भाई सेट कब होगा बताओ? अच्छा ये सेट तो हो रहा है आई डोंट नो गाइस इसमें भाई ये लोग ज़ोंबी लोग फंसेंगे कि नहीं गाइस। ठीक है मैं यहाँ पे लगा डालता अभी फ़िलहाल के लिए। वाह मैं खुद ही फंस गया भाई बताओ भाई अपने ट्रैप में। अबे यार पिकअप आ लाओ तो ठीक है बट निकलूँ कैसे? अबे भाई लो टेलीपोर्ट मार बेच गया टेलीपोर्ट मार। अबे रुकना ज़ोंबी अबे तू क्या इन्फेक्शन चढ़ाएगा क्या अभी बेच गया इधर पक। अबे हटाओ कैसे इसको अभी इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्या? तो अलग ही दुड़क जा मैं गाइज बेच गया। अपन भी अपने खुद के ट्रैप में फंस जाते भाई। अभी हटाओ कैसे भाई हटना पा रहा मैं हिलना पा रहा जगह से सर्च। अबे वो सर्च बाद में भाई गाइस खुद के ट्रैप में खुद बच चुका हूँ मैं। अबे मेरे को लग रहा है मेरी जान लेनी पड़ेगी खुद की जान लेनी पड़ेगी लग रहा है। चलो आ जाओ और कोई तरीका नहीं भाई खुद के ट्रैप में मैं खुद ही फंस गया गाइस। अच्छी बात है गाइस ट्रैप अपने ये वाले ट्रैप जो है ना गाइस वो मैंने लगाए थे ना गाइस वो वाले छुटकू वाले ट्रैप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं ऐसे ट्रैप जो ना गाइस अपने बेस के और भी ज़्यादा आजू बाजू लगा डालता और ये जब चल चल के मेरे बेस के नज़दीक तो पहुँच ही नहीं पाएगा लेकिन इफ अगर बियर पी के वो बेस के नज़दीक आके उड़ाने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी इनकी बैट बच जाएगी। मेरे को थोड़े से वॉल्ट भी बनाने पड़ेंगे वो भी बना लेता हूँ रिस्पॉन्ड होने के बाद। चलो गाइज अपन जो है ना गाइज यहाँ पे रिस्पॉन कर लिए एंड अपन चेकआउट कर लेते
कि यहाँ पे वॉल्ट और कितनी ज़्यादा बन सकती है अपने पास भाई। ठीक है, वॉल्ट पता कितनी बन सकती है? ओ एडवांस वाली बुलेट तो काफ़ी ज़्यादा बन गई भाई। वॉल्ट इनग्राम वॉल्ट, ये क्या है भाई? स्मॉल वॉल्ट 2.0, लार्ज वॉल्ट 2.0। अभी 2.0 वॉल्ट के भाड़ में भेज क्या, ये वाली नॉर्मल वाली वॉल्ट बना डाल। कितना बना पाएगा बता? 72। अबे यार इतनी भी ना बनानी है, इतनी ना बनानी है, बस 72 ना बनानी है, 10 से 12 इनफ हो जाएगी। 72 वॉल्ट कहाँ पे लेके जाओ भाई, इतना ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं अपने पास। बस 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 20 वॉल्ट बना डाली क्या? 40 50 60 30, बस बस खत्म खत्म। इससे ज़्यादा नहीं भाई, सारा मेटल वॉल्ट बनाने में चला जाएगा वरना भाई। ठीक है भाई, स्किन भाई सारे मेरे को ड्रॉप करने दो भाई। वो जो भाई बियर ट्रैप लगा रखे हैं ना, जो खतरनाक चीज़ है यार, मैं और भी ज़्यादा बियर ट्रैप लगा लेता हूँ। बस अपन को खुद उनके अंदर फंसना नहीं, वरना अपनी खुद की बैंड बच जाती है गाइस। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा और आपने देख ही लिया होगा गाइस। चलो आ जाओ, अभी अपन चलते हैं वॉर बेस पे, एंड वहाँ से जो ना कैसे एकदम मस्त बेकि हर तरफ बियर ट्रैप लगाऊंगा। अगर हैरी पीछे से मेरे बेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है ना, तो भी भाई कोई फायदा नहीं होगा। बस थोड़ा सा अच्छा लूट हो रहा था भाई, संभल के। अरे खुद के ट्रैप में, अरे यार क्या है भाई, अभी तो मर के आया हूँ, 1.5 मिनट का टाइम में आई, 1.5 मिनट का वो लेके आया हूँ बियर ट्रैप भाई। बियर निकलू कैसे भाई, इससे निकल नहीं सकते क्या भाई? इसे निकल नहीं सकते क्या गाइस? अपन कुछ टाइम होगा ना 30-40 सेकेंड का, उसके बाद शायद निकल पाएंगे। मेरा पेयर डायरेक्टली बियर ट्रैप पे ही जम मारी यार मैंने। यार कैसा ट्रैप यार, मेरे को भी फंसा रहे भाई ये तो, मेरे को भी फंसा रहे गाइस। देखता रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद जो ना गाइस शायद मैं बियर ट्रैप से निकल जाऊँ। 3 days later गाइस, मेरे को भाई यहाँ पे रिसर्च से ये पता चला कि अगर आप एक बार इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हो तो आपके पास मरने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती है गाइस। ठीक है, आप और कुछ नहीं कर सकते, बस आपको एक काम करना है, सिंपल सा काम है, आपको मर जाना है भाई। ठीक है, मर जाने के अलावा अभी आप फिलहाल के लिए कुछ और नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अरे भाई इसकी आग, वाह वो भी मैंने गलत जगह पे मार डाला, अभी मरूँ कैसे? मैं मरूँ कैसे भाई इसकी आग? रुक जाओ गाइस, कुछ तो जुगाड़ करके मैं मरता एंड उसके बाद मैं वापस आ जाता यहाँ पे। रुको, ये तो गाइस अलग ही तुड़ुक जाम है यार, अपने खुद के ट्रैप में अपन खुद भी फंस रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये ट्रैप काफ़ी ज़्यादा डेडली है और ज़ोंबीज को कैप्चर करने के काफ़ी काम आ सकते हैं, तो थोड़ा संभल के बेटा, खुद के ट्रैप में खुद नहीं फंसना है। ऑल राइट, एंड लोगों के भाई घर के नज़दीक भी ट्रैप लगा के रख देता भाई। ठीक है, ताकि कोई अपन को दिक्कत ना हो। आ जाओ, चलो आ जाओ यहाँ से भाई, देखने के लिए आओगे बेस गया, इतने ज़्यादा बियर ट्रैप यहाँ पे लगा डालूंगा मैं, इतने ज़्यादा बियर ट्रैप लगा डालूंगा किसी ने सोच ही ना होगी भाई। ये लो भाई हर तरफ बियर ट्रैप भेज के आग, कहीं से भी आ ना पाएंगे ये लोग भाई। वैसे एक जहाज से आने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे ट्रैप होके बच जाएंगे एंड उसके बाद जो ना कहीं भग ना पाएंगे भाई। संभल के भाई, खुद के बियर ट्रैप में वापस नहीं फंसना है, बड़ी मुश्किल से उस टाइम पे भाई यहाँ पे मरा था मैं। ऑल राइट, संभल के भाई, लगा जितना लगा सकते उतने ज़्यादा बियर ट्रैप लगा भाई। बस ये ज़ोंबी लोग जो ना गए वो सारे मेरे बियर ट्रैप जो ना गए वो ख़राब ना कर दे भाई। ठीक है, यहाँ पे बियर ट्रैप लगा, यहाँ पे भी लगा लगा डाल हर एक जगह पे लगा डालता भाई। कहीं से भी जो ना गए हारी और भाई एनी जो ना गए वो अपने इस बेस के आजू बाजू भटकने नहीं चाहिए, और ये खतरनाक चीज़ मिलेगा इस अपन कोई बियर ट्रैप वाली भाई। बाप रे, मैं खुद ना बच जाऊँ बस यहाँ पे आते वक्त, समझ रहे हो गाइस? खुद बच गया तो बैंड बच जाएगी यार, इतने ज़्यादा बियर ट्रैप लगा रखे कि खुद फंसने के चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहेगा इस इनके अंदर। ठीक है, मैं इधर उधर हर जगह पे ऐसा बियर ट्रैप लगा डालता थोड़ा थोड़ा सा करके, ओके, ताकि ये लोग जो है ना कैसे आ ना पाए। ठीक है, चलो डन। बियर ट्रैप हर तरफ अपन ने लगा डाल ले, टेरेट टावर गाइज यहाँ पे लग चुकी है गाइज, डबल की गाइज वो लग चुकी है गाइज, अपनी वॉल लग चुकी है एंड गन्स रख चुकी है, गन के अंदर एमो डालना बाकी है। और मेरे हिसाब से अभी तक जो है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा एडवांस वाली जो एमो, एक मिनट रुक जाओ, वॉल्ट लेके आया ना भाई, रुक जाओ, जो भी वॉल्ट लेके आया भाई वो पहले यहाँ पे लगा डाल। वॉल्ट लगाना ज़रूरी है ताकि अपना टावर जो है ना गाइज वो सुरक्षित रहे गाइज। ठीक है, ओके नाइस वन। हाँ, यहाँ पे अपन कैनन बाद में लगा डालेंगे, कैनन का कोई जुगाड़ नहीं है, कैनन तो अपन किसी भी टाइम कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस यहाँ पे एक वॉल्ट हटा डालेंगे और वहाँ पे कैनन लगा के इनकी डायरेक्टली बैंड बजा डालेंगे भाई। ठीक है, बीच में से तो भाई वो कैनन ना आएगी ना कहीं, यहाँ पे लग तो नहीं रहा कि बीच में से कैनन आएगी, आप भी गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन को अपने टावर जो ना गाइस वो सुरक्षित रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना, समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो? हाँ भाई, ठीक है, चलो आ जाओ। एंड अभी इनके ऊपर सीलिंग लगा के डायरेक्टली ऊपर साइड में भी एक वो लगा डालो, क्या क्या बोलते हो, वॉल्ट लगा डालूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर साइड भी एक वॉल्ट लगा दूँ ताकि अपना टावर जो है ना ये ज़िंदगी में तोड़ ना पाए। सीलिंग ले,
ये देखो लाइक इधर एंड यहाँ पे एक वॉल्ट लगा डालूंगा गाइस। वॉल्ट लगेगी क्या? शायद लग जाएगी, थोड़ा सा इशू हो जाएगा, बट यहाँ पे चढ़ के अपन लगा सकते मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, अपन यहाँ पे चढ़ेंगे एंड यहाँ से मैं भी इधर इसके ऊपर वॉल्ट हाँ इस तरह से लगा सकते हैं ना। हाँ लगा तो सकते, सीलिंग तो भाई काफ़ी ज़्यादा लेके आया हूँ। तो भाई यहाँ पे पीछे साइड से मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को वो कुछ लगाने की ज़रूरत है। हाँ वो पीछे साइड में भी अपना बेस बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने ट्रैप काफ़ी ज़्यादा लगा रखे है, तो पीछे साइड से थोड़ा सा रिस्क कम लग रहा है मेरे को। ठीक है चलो आ जाओ। अबे नहीं 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 वॉल्ट भाई ब्लॉक कर रही है यार अपने, इसको ये नहीं लगा सकता गाइज। वॉल्ट इनका विजन ब्लॉक कर रही है गाइज, मैं भूल गया भाई, ये वॉल्ट भाई इनका विजन ब्लॉक करेगी और भाई दिक्कत हो जाएगी फिर अपनी टेरेट जो ना गाइज उतनी आसानी से यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगी अगर अपन यहाँ पे वॉल्ट लगा डालते तो। ठीक है, तो भाई ये मेरे को पता ही नहीं था, मैंने खामखा भाई ट्राई करा। चलो कोई ना, इलेक्ट्रिक केबल नहीं उठानी बेटा, ये उठाना है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल, अबे काय का इलेक्ट्रिक केबल, ये उठाना है मेटल सीलिंग भाई। चलो डन गाइस, बेस रेडी हो चुका है, थोड़ी सी एमो जो ना गाइस वो लेके आता मैं। एक मिनट रुक जाओ, एक और काम करना है मेरे को। नीचे कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा ना, पिकअप करे, डिमोलिश होगी क्या? हाँ ठीक है चल, यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता बना डालते, स्टेयर यहाँ पे मैं स्टेयर लगा डालता ताकि मैं यहाँ से नीचे उतर सकूँ गाइस। ठीक है, सिंपल इज दैट ब्रो। यहाँ पे लगा डाल बेटा, यहाँ पे इस तरफ आगे साइड में, हाँ हाँ लाइक दिस भाई। ठीक है, एंड अपन को यहाँ पे भी वॉल्ट लगा डालनी है ताकि ये लोग जो है ना गाइस हमारे ऊपर हमला ना कर सके, समझ रहे हो गाइस? हमला तो करेंगे गाइस ये हर तरफ से, तो मेरे को यहाँ पे भी भाई वॉल्ट लगानी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहे हो, यहाँ पे हर जगह पे वॉल्ट लगा डालूंगा। फुल टू फाउंडेशन का सपोर्ट चाहिए भाई, फुल फाउंडेशन का सपोर्ट दूंगा गाइस। बिल्कुल भी जो ना गाइस भाई अपने इस बेस को जो ना भाई तोड़ ही ना पाए भाई, इतना ज़्यादा फाउंडेशन का सपोर्ट दूंगा। रुक जाओ, चलो आ जाओ नीचे झुक के। चल बेटा, वॉल्ट तो लगी जाएगी ना गाइस यहाँ पे। फाउंडेशन टूटने में वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, 10-20 गोलों में वैसे टूट जाती है वो अलग बात है, बट फिर भी। एंड यहाँ पे वॉल्ट लगा डालूंगा ताकि जो ना गाइस डैमेज थोड़ा सा कम पड़े। वॉल्ट की एचपी जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली होती है। एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, पाँच, मेरे को बताने गाइस मेरे पास कितनी वॉल्ट बची है, बट मेरे हिसाब से इनफ हो जानी चाहिए यार। ठीक है, इनफ तो हो जानी चाहिए। वॉल्ट इतनी ज़्यादा लगा डालूंगा ताकि ये कैनन मार के जो ना गाइस अपना बेस यहाँ पे टस से मस ना कर पाए। ख़त्म कहीं काय नहीं हो रहा भाई रास्ता, इतना ज़्यादा लंबा बना डाला है क्या? आई थिंक खत्म ना, हाँ खत्म। यहाँ पे लगेगी वॉल्ट, यहाँ पे वॉल्ट ना लगेगी। ओ एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ग्लिच में लग रही है तो यहाँ पे लगा डाल। खत्म, वॉल्ट भी खत्म। और बाप रे, वर्ल्ड वॉर स्टाइल बंकर लग रहा बेस गैग, वर्ल्ड वॉर स्टाइल बंकर लग रहा बेस गैग। रुक जाओ बेटा, वर्ल्ड वॉर स्टाइल बंकर लग रहा भाई। आगे तरफ नहीं लग रहा क्या इधर कुछ? और फाउंडेशन लगा डाल इसके अंदर भाई, फाउंडेशन से मर्ज कर डालूंगा भाई इसको, ताकि इनको ये ना पता चले कि अपन ने यहाँ पे वॉल्ट लगा रखी है। समझ रहे हो गाइज, फाउंडेशन से मर्ज कर दूंगा ऐसे कि इनको लगना भाई कि यहाँ पे हमने वॉल्ट लगा रखी है और ये इसके ऊपर ही अटैक करते रहे। इनको लगा सिर्फ मैंने ऊपर साइड वॉल्ट लगा रखी है, नीचे साइड नहीं लगा रखी है, तो डायरेक्टली नीचे का फाउंडेशन तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी यार लेकिन यहाँ से मैं कैनन कैसे ये कर पाऊंगा? कैनन जब करनी पड़ेगी तो मेरे को ये वॉल्ट भाई डिमोलिश करनी पड़ेगी गाइज। ठीक है चलो, मैं अभी थोड़ी सी जो ना बुलेट लेके आता, चलो आ जाओ। ओह भाई, अरे यार जनरेटर को तो ओपन में रखा है, एक कैनन का गोला आएगा डायरेक्टली उड़ा के चला जाएगा। थोड़ी सी वॉल्ट दे दे बेटा, थोड़ी और वॉल्ट दे दे बेटा। हाँ ये वाली 5-6 वॉल्ट देने हैं और। ठीक है, अपना जो भाई जनरेटर है ना गाइस मेन चीज है गाइस, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। भरे अपन मर जाए, जनरेटर नहीं मरना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो जनरेटर मरेगा कैसे बेच के? अभी एडवांस वाली जो ना गाइस, रुक जाओ, यहाँ पे बुलेट बनाने के लिए डालता है एडवांस वाली भर के। थोड़ा सा चारकोल लेके आना है, वो भी लेके आता गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटा एडवांस वाली बुलेट, यहाँ पे एडवांस वाली, ओके यहाँ पे एडवांस वाली काफ़ी ज़्यादा बुलेट बन भी गई है गाइज। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइज, जितना अपन को चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइज अपन को यहाँ पे जो ना बुलेट मिल गया गाइज। आई थिंक गन पाउडर खत्म गाइज, अपना पूरा का पूरा गन पाउडर खत्म। मेटल तो जिंदगी में खत्म नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेटल जो ना गाइज अपना पक रहा है बहुत ज़्यादा, और अपन को और ज़्यादा मेटल चाहिए ना भाई, चुटकियों में डायरेक्ट ऐसा मेटल जो ना गाइज अपन जुगाड़ कर सकते मेटल का। व्हाट द, अबे यार रेंडर ना हुआ था, मेरे किडनी में अटैक आ गया। मैं बोला भाई ये तोड़ा किसने? अभी तो कोई आया भी नहीं यहाँ पे, रेंडर ही ना हो रहा था भाई ये चीज़, खतरनाक ब्रो, खतरनाक। ले बेटा स्प्लिट आप 500 इसके अंदर, उसके बाद गाइज और डाल देंगे 500 इसके अंदर 800 डाल देता हूँ। पीछे साइड से हैरी सरजी के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो थोड़ा सा पीछे और बियर ट्रैप मेरे को लगाने पड़ेंगे लग रहा है गाइज। ठीक है, मैं पीछे साइड और बियर ट्रैप लगा डालूंगा। अभी इतना ही लेके आया हो क्या एडवांस? अच्छा ये 1000 ले ले। ठीक है, रेंज हाई कर,
ओनली सर्वाइवर एंड कॉपी सेटिंग टू ऑल्टरेट, एंटर है और रुक जाओ कॉपी करनी पड़ेगी वापस से, कितना कुलडाउन है। हाँ भाई कॉपी टू ऑल डन। यस टेरेट गाइज अपनी सारी एक्टिवेट हो चुकी है गाइज, टेंशन नहीं लेने का। फाउंडेशन, अरे यार फाउंडेशन चाहिए होगी ना थोड़ी सी, इसको फाउंडेशन का कवर करके बाद में साइड से वॉल लगा डालेंगे भाई, ठीक है। जनरेटर में ना, अगर जनरेटर उड़ाना सारी की सारी टेरेट अपनी डाउन भाई सीधा, फिर अपन को कोई ना बचा पाएगा गाइज, ठीक है। क्या बना देना है मेरे को, रुक जाना, फाउंडेशन भाई फाउंडेशन यहाँ पे आई थिंक बहुत सारी थी मैंने इसके अंदर लगा के रखी थी भाई, यहाँ पे बचा के रखी थी। अच्छा इसमें कुछ बची नहीं है, फाउंडेशन है क्या बेटा, फाउंडेशन सो बनी पड़ी है यार, काय टेंशन ले रहे हो गाइज, बहुत सारी है अपने पास फाउंडेशन। चलो आ जाओ गाइज, ऊपर वाला बेच जो ना गाइज वो अपना रेडी हो चुका है, यहाँ पे बुल्डू दबाई मचाने के लिए गाइज, ठीक है। ऑलराइट जनरेटर बेटा ये मेन चीज़ है भाई, ये उड़नी ना चाहिए किसी भी कीमत पे, ये उड़ी तो समझ लेना तुम्हारा भाई भी उड़ गया डायरेक्टली, समझ रहे हो गाइज, ये किसी भी कीमत पे यहाँ पे उड़नी नहीं चाहिए। ऑलराइट डन, एंड इसके ऊपर डाल दे भाई सीलिंग, भाई सीलिंग कहाँ पे, हाँ सीलिंग डाल, एंड एक मिनट रुक जाओ वॉल का वो भी बना डाल एक, अभी यार हाँ भाई इसके अंदर तो फ्यूल डाल रखा है, मेरे को लगा फ्यूल बिल नहीं डाल रखा। वॉल डाल लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एंड इसके ऊपर एक और सीलिंग डाल देंगे, एंड आजू बाजू से वापस से वो डाल देंगे वॉल्ट बिल डाल देंगे गाइस, ठीक है। ऑलराइट एंड यहाँ पे वॉल लगा देता भाई, ठीक है, सामने की तरफ भी वॉल लगाऊंगा और यहाँ पे भी वॉल लगा देता, मेन चीज़ है यहाँ पे भाई, ठीक है। ये इस तरफ से हमला करेंगे तो इस तरफ फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए अपने जेन को। ऑलराइट समझ रहे हो गाइस, ये अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कुछ ना होना चाहिए, फुल प्रोटेक्शन भाई। स्टेयर लगा डालू क्या गाइज ऊपर पे, ऊपर ऊपर साइड भी वो लगा डालता ना वॉल्ट लगा देता, ज़्यादा वॉल्ट नहीं है थोड़ी और वॉल्ट लेके आ जाऊँगा इनके ऊपर साइड में जो ना गाइज, अगर एक बार मैंने कब्जा कर लिया ना तो काम 25 भाई। हाँ नाइस वन नाइस वन नाइस वन भाई, ठीक है चलो डन 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 डन। पीछे साइड मेरे को और थोड़ी सी वॉल्ट लेके आनी पड़ेगी और यहाँ पे आगे तरफ भी लगा देता हूँ, क्योंकि आगे की फाउंडेशन टूट गई ना तो डायरेक्टली अपना वो ऊपर की वॉल्ट नीचे गिर जाएगी। बट अपन जाएंगे कहाँ कैसे, आगे पीछे थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज कैसे लग रहा है प्लानिंग बताओ भाई, यहाँ पे जो ना गाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है ना गाइज वो अपन बना रहे हैं, उस रीज़न से जो ना गाइज सीन क्या हो रहा है, गेम लोड हो पाना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गाइज, अभी यहाँ पे गेम जो ना गाइज वो लोड ना हो पा रहा उतने ज़्यादा जल्दी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वॉल्ट बिल्ड जो ना गाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा रखी है मेरे को ऐसा लग रहा है, और ये 10 लॉट का सर्वर है उस रीज़न से जो ना गाइज थोड़ा सा लैग मारने लग गया है। कोई ना चलो कोई ना, आज किसी ना किसी का तो बेस भाई उड़ के रहेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर जो ना गाइज वो काफ़ी कम हो जाएगा सर्वर से। लास्ट लोकेशन लेट्स गो गाइज, इतनी सालों की मेहनत फाइनली यहाँ पे अपने ये जो ना गाइज कंप्लीट होने वाले और काम आने वाले हैं भाई, ठीक है। पीछे साइड से लगा डाल, इनकेस अगर पीछे से इन लोग ने अटैक करा तो, चांसेस कम है अटैक करने के बट फिर भी इनकेस अगर अटैक करा तो, ठीक है आ जा और सामने की तरफ। हाँ फुल वॉल्ट बाजी भाई, फुल वॉल्ट बाजी, ठीक है भाई। जनरेटर को भाई बिल्कुल भी कुछ ना होगा गाइज, टेलीपोर्टर टेलीपोर्टर एक और लगा के रख देता इनकेस अगर ये टेलीपोर्टर टूट गया ना तो वो वाला टेलीपोर्टर काम आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वॉल लेके आया वो यहाँ पे लगा भाई। चलो गाइज ये अपना किला जो ना गाइज वो रेडी है, एंड ये लोग अपन को कुछ ना कर पाएंगे अभी भाई। अभी यहाँ पे अपन को क्या करना है गाइज समझ लो, अगर अपन को यहाँ पे रुक जाओ मेरे पास दो वॉल्ट है क्या, हाँ मेरे पास दो वॉल्ट है, अगर समझ लो यहाँ पे मेरे को कुछ करना है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सिंपली इसको यहाँ से डिमोलिश करूँगा, यहाँ पे समझ लो मेरे को कैनन लगा दिए, एंड इसको भी ऐसा डिमोलिश कर दूंगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे लगा डालूंगा अपन मस्त बेगी कैनन भाई, समझ रहे हो समझ रहे हो। ऐसा करेंगे अभी जब तक अपन को कुछ जरूरत नहीं है तब तक अपन यहाँ पे एक वॉल लगा के रख देते ऐसा लाइक दिस भाई, समझ रहे हो। ये रही अपनी प्लानिंग, और ये हाँ भले ही दिखने में बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है बट अपने पास फिलहाल के लिए यही सब कुछ है भाई, ठीक है। और इसी से मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हर एक चीज़ को, मैं थोड़े से बियर ट्रैप जो ना इस तरफ भी जो ना इस बाद में लगा के रख दूंगा, एंड टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन खाली देने का, सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। एक मिनट रुक जाओ भाई, गन पाउडर खत्म है ना गाइज अपना, मैं गन पाउडर भी लेके आता फटाक से भाई, रुक जाओ। लोकेशन का नाम क्या था, बेस टू टारगेट टू अप टू बियर ट्रैप फ्रंट माउथ वाटर चारकोल, चारकोल ना चारकोल ही खत्म हो गया ना अपना, चारकोल वाली लोकेशन पे चलते हैं। चारकोल ही नाम लगा के रखा था शायद, मेरे को लग तो रहा है, देखते चलो चारकोल वाले वो जो पेड़ थे ना वहीं पे पहुँचते कि अरे भाई डन
बताओ गाइस कितना चाहिए भाई, चार कोल भाई, चार कोल और क्या चाहिए होता है, स्पार्क पाउडर ना भाई, रुक जाओ थोड़ी से, जो ना गाइस यहाँ पे स्टोन जो है ना गाइस वो भी इकट्ठा करके लेके जाऊंगा मैं। अभी फोकड़ में ओवर वेट हो चुका हूँ यार मैं भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर वेट हो चुका हूँ। क्या चीज़ है मेरे पास अभी, वॉल्ट और कैनन भी नहीं है ना, कैनन मेरे पास रखूंगा बस, और कुछ नहीं रखूंगा। और यहाँ से जाते वक्त ना थोड़ा सा स्टोन भी लेके चलता हूँ, ओवर वेट काफ़ी ज़्यादा होने वाला हो मैं, लेकिन कोई ना, चलो गन पाउडर तो भाई भर भर के बन के रहेगी भाई, टेंशन नहीं लेने का। आज मेरे को रिसोर्स इकट्ठे करने तो सारे यहाँ पे गाइज, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा चारकोल जो है ना गाइज वो यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है भाई अभी भाई, ठीक है। लगभग भाई 20 से 30 हज़ार चारकोल जो है ना गाइज वो अपने पास हो चुका है, और स्टोन अपने घर पे पड़ा हुआ था, और मैं जो ना यहाँ से स्टोन फार्म करके जो ना लेके भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री जो है ना गाइज वो पहले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ी हुई है। तो इसलिए जो ना गाइज यहाँ पे अपन कुछ फिलहाल के लिए ज़्यादा सामान यहाँ पे घर पे लेके नहीं जा पाएंगे। तो मेरे पास जो भाई यहाँ पे चारकोल है गाइज वही यहाँ पे डाल देता हूँ, रुक जाओ मैं चारकोल, बाप रे चारकोल तो भर भर के लेके आया भाई मैं, थोड़ा सा भाई एक मिनट रुक जाऊँ, स्टोन दे दे बेटा, स्टोन डाले यहाँ पे, ओले स्पार्क पाउडर बनना चालू भाई, ठीक है। एंड रुक जाओ, स्पार्क पाउडर कितने हैं अपने पास, स्पार्क पाउडर कितने, अच्छा कुछ भी नहीं है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, फ्लिंट एंड स्टोन मेरे को करना पड़ेगा ना, फ्लिंट कितना है, फ्लिंट तो भर भर के होगा यार, फ्लिंट का कोई सीन नहीं है, ले बेटा भर भर के फ्लिंट है भाई। स्टोन कितने अपने पास, स्टोन जो है गाइज वो भी अपने पास भर भर के है गाइज, तो स्टोन भी सारा का सारा उठा लेते हैं यहाँ पे। एंड सारी चीज़ें जो ना गाइज इसके अंदर डाल के अपन जो है ना गाइज, हाँ ये ले बेटा फ्लिंट, ये ले बेटा, अरे यार ट्रांसफ़र करना था, ये फ्लिंट यहाँ पे डाल देंगे। एंड और क्या है भाई अपने पास, और फालतू का सामान नहीं है ना कुछ, चलो भाई, और ये सारी चीज़ें डाल देंगे ताकि यहाँ पे जो ना गन पाउडर बनने का काम जो ना चालू हो जाए भाई, ठीक है। ये ले बेटा वॉल्ट, वॉल्ट थोड़ी रख देता हूँ इसी के अंदर भाई, ठीक है, बाद में काम आ जाएगी, ये भी इसी के अंदर रख देता हूँ। सीमेंटिंग पेस्ट ये फलाना ढीला, कैनन अपने पास रखेंगे, जनरेटर भी लग देंगे भाई, ठीक है। ये देखो गाइस स्पार्क पाउडर बन रहा है, साथ में गन पाउडर ऑटोमेटिकली बन रहा है, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, जितना स्पार्क पाउडर बनेगा उतना ही गाइस गन पाउडर ऑटोमेटिकली बन जाएगा भाई, ठीक है, लेट्स गो। तो गाइज प्रिपरेशन उनका बेस उड़ाने की, हैरी और रैनी का पूरी की पूरी तरह से जो ना गाइज अपन ने यहाँ पे करके रख दी है। अभी अगले एपिसोड से जो ना गाइज इनके ऊपर एकदम फुल टू जो ना गाइज हमला बोल डालेंगे यहाँ पर, और देखते हैं कि ये लोग जो ना गाइज यहाँ पे क्या कर पाते हैं। पीछे साइड मैंने एक खतरनाक सा जो ना गाइज सीक्रेट भाई बेस बना के रख दिया है, और गाइज वो बेस जो ना गाइज देख के ये लोग भाई चौंकने वाले, और वहाँ पे कैनन लगा के मैं ना उनका ऊपर वाला जो बेस है ना गाइज, जिससे भाई वो नीचे वाला मेरा बेस उड़ा रहे हैं ना गाइज, वो बेस भाई डायरेक्टली उड़ा डालूंगा। तो फिलहाल के लिए ज़ॉम्बी वर्ल्ड का एपिसोड ये खत्म होता है, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आने के चैनल का लिंक है, उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट करना और सब्सक्राइब तो क्या आ जाना गाइस। तो चले भाई लोग करते आज का एपिसोड ये खत्म, मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were